वन है तो जीवन है। नमस्कार बच्चों, मुझे देखते ही कैसे सब मुस्कुराने लगे हैं। मुझे लगभग सभी लोग पसंद करते हैं क्योंकि मैं सभी के लिए लाभकारी हूँ। जी हाँ, मैं एक पादप यानी कि एक पेड़ हूँ। वैसे मेरे साथी बड़े छोटे सभी प्रकार के पादप प्रायः सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, परंतु हमारा घर जंगल है और हम सभी पादपों को वही अच्छा लगता है। वन मानव जीवन में प्राचीन समय से ही विशेष महत्व रखते हैं। ये मानव जीवन के लिए प्रकृति के अनुपम उपहारों में से एक हैं। आजकल जब शहरों में रहने वाले लोग प्राकृतिक वस्तुओं से ज्यादा कृत्रिम वस्तुओं पर निर्भर हो गए हैं, ऐसे कितने ही लोग जो आदिवासी कहलाते हैं वो पूरी तरह वनों पर निर्भर हैं। चलिए मैं आपको उड़ीसा के छोटे से गांव ले चलता हूँ, जहाँ पर आदिवासी लोग अभी भी वनों पर निर्भर हैं। इस वीडियो के उद्देश्य हैं क वनों का महत्व, ख वनों के प्रकार, ग वनों का संरक्षण। माँ, मैं और झुम्पा पाठशाला जा रहे हैं। मानी बेटा, सीधे रास्ते से जाना, जंगल से होते मत जाना। अरे माँ, जंगल तो हमारा दोस्त है, तुम्हें पता है कि हम इसी रास्ते से जाते हैं। ठीक है, जाओ, मगर ध्यान से जाना। मानी, कितना प्यारा जंगल है, यहाँ आकर बहुत शांति मिलती है। हाँ, मुझे लगता है आज पाठशाला का दिन बहुत ही रोचक होने वाला है, क्योंकि आज टीचर दीदी हमें जंगल के बारे में रोचक बातें बताएंगी। नमस्ते बच्चों, याद है ना, आज हम जंगल और उनके महत्व के बारे में बात करेंगे। जी टीचर दीदी। बच्चों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम जंगल के पास रहते हैं। चलो आज तुम सब जंगल के बारे में कुछ न कुछ जानकारी मुझे दोगे। हाँ टीचर दीदी, बिल्कुल, बहुत मजा आएगा। वन हमारे लिए और जीव जंतु के लिए कैसे लाभदायक हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे आप सभी लोग जानते हो कि आजकल पेड़ों को लगाना पर्यावरण की जरूरत है। टीचर दीदी, पिताजी ने बताया था कि सरकार भी लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, जहाँ हजारों की तादाद में पेड़ लगा दिए जाएं, वहीं जंगल बन जाता है? नहीं दीदी। क्यों नहीं? टीचर दीदी, जंगल मनुष्य के लिए ही नहीं, समस्त जीव जंतुओं के लिए भी आवश्यक हैं। इसीलिए बिना उनके जंगल जंगल नहीं होता है। हाँ मानी बेटा, बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं अगर यह कहूँ कि ये जंगल पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं, तो क्या यह सही होगा? हाँ दीदी। अगर हाँ तो बताओ कैसे। टीचर दीदी, पादप, जीव जंतु, पक्षी आदि सभी जंगलों पर खाने, रहने, सुरक्षा आदि के लिए निर्भर हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जंगल पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। टीचर दीदी, ये जंगल तो हम आदिवासियों के लिए जीवन से कम नहीं है, ये हमें कितना कुछ देते हैं। चलो अब सब लोग सोचकर उन चीजों की सूची बनाओ जो हमें जंगलों से प्राप्त होती हैं। लकड़ी, दवाइयाँ, फल, रबर और सबसे महत्वपूर्ण चीज, सांस लेने के लिए ताजी हवा। वाह बच्चों, बहुत अच्छे। इन सभी चीजों के अलावा न जाने कितनी ही चीजें ये वन हमें देते हैं। टीचर दीदी, हमें जानना है कि ये वन हमें और क्या क्या देते हैं? हाँ टीचर दीदी। बच्चों, ये वन ऋतु चक्र के संतुलन को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं।
वो कैसे टीचर दीदी? बताती हूँ। जैसे कि तुम सब जानते हो कि हमारे यहाँ महानगरों के मुकाबले ज्यादा बरसात होती है, लेकिन तुम्हें यह पता है क्यों? क्यों टीचर दीदी? क्योंकि हमारे प्रदेश में बहुत से वन हैं। वाह दीदी, ये वन बरसात को लाने में कैसे सहायक हैं? हमें जानना है, ये बहुत रोचक लग रहा है। बिल्कुल बच्चों, बताती हूँ। पेड़ पौधे अपनी जड़ों के द्वारा पृथ्वी के जल को सोखते हैं, जो फिर से वाष्पित होकर वायुमंडल में बादल का रूप ले लेता है। इसके परिणाम स्वरूप वर्षा होती है और यह चक्र निरंतर बना रहता है। टीचर दीदी, वन मिट्टी के कटाव को कैसे रोकते हैं? वृक्षों की जड़ें मिट्टी की उपजाऊ सतह के कणों को बांध के रखने में भी सहायक होती हैं। इस तरह बरसात, हवा आदि द्वारा ये वन मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं। वाह टीचर दीदी, हमें पता ही नहीं था कि वन वर्षा को लाने और मिट्टी के कटाव में भी सहायक हैं। दीदी, मैंने किताब में पढ़ा था कि धरती का एक तिहाई हिस्सा वनों से ढका है। बिल्कुल सही पढ़ा है मानी तुमने। हमारे देश में कई प्रकार के जंगल हैं। क्या वन के भी प्रकार होते हैं? हाँ बिल्कुल। चलो एक खेल खेलते हैं। मैं तुम लोगों को इन वनों के नाम बताऊंगी। तुम सब नाम से समझकर बताना कि इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष कैसे होंगे। यह तो बहुत मजेदार खेल है। चलिए पूछना शुरू करिए। सदाबहार वन, जो सदा हरे भरे रहते हो। सही पहचाना बच्चों। ये सदा हरे भरे कैसे दिखते हैं? यह सदा हरे भरे इसलिए दिखते हैं क्योंकि इस वन के वृक्षों के पत्ते एक साथ नहीं गिरते हैं। ये वृक्ष क्या बहुत लंबे होते हैं? हाँ, इन वनों में वृक्ष एक दूसरे से सटकर लगातार एक छत का निर्माण करते हैं, इसलिए इन वनों में प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता। यह वन उन क्षेत्रों में पनपते हैं जहां मॉनसून कई महीनों तक रहता है। यहां पाए जाने वाले वृक्ष शीशम, नीम, पीलू आदि हैं। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि शीशम वृक्ष की लकड़ी और नीम के वृक्ष की पत्तियाँ किस काम आती हैं? चलो अब तुम सब मुझे पतझड़ी वन के बारे में सोच कर बताओ। इन वृक्षों की पत्तियाँ जरूर झड़ जाती होंगी। बिल्कुल सही बोला तुम सबने। ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ मॉनसून कुछ महीनों तक होता है। यहाँ अधिकतर वृक्ष टीक के होते हैं। बच्चों, क्या आपको पता है कि टीक की लकड़ी किस उपयोग में आती है? इन वृक्षों की पत्तियाँ कब झड़ती हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा। यहाँ पाए जाने वाले वृक्ष अपनी पत्तियाँ सर्दी और गर्मी के मौसम में गिरा देते हैं। मार्च और अप्रैल के महीनों में इनकी नई पत्तियाँ उगने लगती हैं। टीचर दीदी, एक वन का नाम मैं बूझूं? क्यों नहीं, पर्वतीय वन। बिल्कुल सही कहा। अच्छा अनुमान लगाया झुम्पा। इन वनों को शंकुधारी वन भी कहते हैं क्योंकि इनमें बीजों की जगह शंकु होते हैं। दीदी, पर्वतों में तो बर्फ गिरती है, इसलिए इन वनों में पाए जाने वाले पेड़ों की पत्तियाँ चौड़ी तो नहीं होती होंगी। बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला मानी। इन वनों में सीधे लंबे वृक्ष पाए जाते हैं जिनकी पत्तियाँ नुकीली होती हैं तथा शाखाएं नीचे की तरफ झुकी होती हैं, जिसकी वजह से जब बर्फ पड़ती है तो पत्तियों से नीचे फिसल जाती है। टीचर दीदी, मैं तो सब प्रकार के वृक्षों की कल्पना कर रही हूँ। अब मैं अगले वन का नाम सोचकर बताती हूँ। टीचर दीदी, कांटेदार वन होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। यह वन भारत में कम नमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं।
इनमें कुछ वृक्षों की पत्तियां मोटी तथा मोम युक्त होती हैं, ताकि जल का वाष्पीकरण कम किया जा सके। कुछ वृक्ष कांटेदार होते हैं, ये कांटे पानी के वाष्पीकरण को कम करते हैं तथा पेड़ की जानवरों से भी रक्षा करते हैं। प्रकृति हमें कितना कुछ देती है, कितने भिन्न भिन्न प्रकार के वन हैं। हाँ बच्चों, प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। अच्छा, अब जिन वनों के बारे में बताऊंगी उसके बारे में तुम सबने नहीं सोचा होगा। जल्दी बताओ टीचर दीदी। इन वनों को मैनग्रोव वन कहते हैं। ये वृक्ष नदी के किनारे उगते हैं। ये वन नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी में वृद्धि करते हैं। ये वृक्ष कीचड़ में उगते हैं। इन वृक्षों की जड़ें कीचड़ से बाहर की ओर वृद्धि करती हैं, जो श्वसन भी करती हैं। वाह दीदी, हमें पता ही नहीं था कि वृक्षों के आधार पर वनों का भी वर्गीकरण हो सकता है। इस प्रकार के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? ये पेड़ पश्चिम बंगाल में सुंदरबन में पाए जाते हैं। बच्चों, वन हमारी धरोहर हैं, लेकिन बढ़ती जनसंख्या के कारण वनों को काटा जा रहा है, जिनसे हमें कितनी लाभदायक चीजें मिलती हैं। इनको काटकर मनुष्य नए नए आवास परियोजनाएं आदि बना रहा है। ये जानते हुए भी कि कितने लोग इन वनों पर पूरी तरह निर्भर हैं, इन्हें काटा जा रहा है, ये तो एक चिंता का विषय है। बच्चों, आपको क्या लगता है, वनों का कटना, वनों से विस्थापन सही है? क्या ये जीव जंतुओं के साथ साथ मानव जाति के लिए भी हानिकारक है? क्या लोगों ने कभी भी वनों के कटने का विरोध नहीं किया? किया है, बिल्कुल किया है। 1973 में उत्तर प्रदेश की अलकनंदा घाटी के मंडल गांव में वन विभाग के ठेकेदारों ने जंगलों की कटाई शुरू कर दी थी। वनों को इस तरह कटते देख गांव की महिलाएं पेड़ों से चिपक कर खड़ी हो गईं। इसीलिए इस आंदोलन को चिपको आंदोलन का नाम दिया गया। इस आंदोलन के द्वारा लोगों ने वनों और वृक्षों की रक्षा की थी। टीचर दीदी, इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा, यह एक पर्यावरणविद थे। यह आंदोलन वनों का अव्यावहारिक कटान रोकने और वनों पर आश्रित लोगों के वनाधिकारों की रक्षा का आंदोलन था। इन सब की तरह अगर हम सभी वृक्षों और वनों की रक्षा करने का जिम्मा लें, तो इन्हें बचाया जा सकता है। टीचर दीदी, वनों को बचाने के लिए हमारी सरकार ने भी कई परियोजनाएं चलाई होंगी। हाँ बेटा, हमारी सरकार ने वन महोत्सव, सामाजिक वानिकी आंदोलन आदि की शुरुआत की है। टीचर दीदी, हमने सुना है कि पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो। प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सभी लोग इस दिन पेड़ लगाते हैं और पर्यावरण को बचाने का प्रण लेते हैं। अब से हम सब भी प्रतिवर्ष इस दिन पेड़ लगाना नहीं भूलेंगे, क्यों दोस्तों, क्या कहते हो? हाँ मानी, बिल्कुल। बच्चों, जैसा कि तुम सब जानते हो, वन जानवरों का प्राकृतिक निवास है। सोचो, अगर ये वन ही नहीं रहेंगे तो पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा। हम सब प्रण करते हैं कि हमारे आसपास के सभी लोग को पेड़ लगाने और वनों के संरक्षण करने के लिए प्रेरित करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हो। बहुत अच्छे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सबको वनों के संरक्षण के बारे में अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। वातावरण को बचाएं, पेड़ लगाएं।